सुप्रभातम छात्रों, आज हम संस्कृत की कक्षा में उपसर्ग पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने प्रत्यय पढ़ा था। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगते हैं, और उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। देखिए, जो शब्दांश धातु या शब्द से पहले लगकर उनके अर्थों में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। यहाँ पे हम उपसर्ग लिखेंगे, यहाँ पर धातु लिखेंगे, और उपसर्ग प्लस धातु मिलकर क्या बना? पद। उपसर्ग युक्त धातु और उसका अर्थ लिख लेंगे, ठीक है। प्र जमा भू धातु, प्रभाव मतलब पैदा होना। परा जमा जी धातु, पराजय पराजित करना। अप जमा नी धातु, अपने दूर करना। सम जमा क्री धातु, संस्कृत मतलब शुद्ध करना। अनु जमा गम धातु, अनुगम या अनुगच पीछे जाना। अव जमा ची धातु, अवची मतलब चुनना। निस जमा श्री धातु, निस्री मतलब निकलना। निर्जमाकम धातु, निर्गच मतलब निकलना। दुर जमा वी जमा ह्य धातु, दुर्व्यह मतलब दुर्व्यवहार करना, बुरा व्यवहार करना। विजमा चर धातु, विचर विचर मतलब घूमना। आ जमा गम धातु, आगम मतलब आना। नी जमा वृत धातु, निवृत मतलब लौटना। आशा करती हूँ आप सभी को उपसर्ग समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।